जिसमें वेतन रहेगा 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये पर मंथ तक का आपका से वेतन रहेगा फ्रेंड्स। आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर न्यू भर्ती 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, आईटीबीपी नई भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप चेक कर पाओगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी दी गई है, महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट्स में एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। अगर आपने 10वीं पास कर रखा तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। जिसमें एज लिमिट चाहिए 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। ये पूरे भारत के लिए भर्ती यानी कि ऑल इंडिया जॉब है, जिसमें आवेदन रहेगा ऑनलाइन मोड से इसमें आवेदन रहेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप इस भर्ती में एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन एंड रीड आउट की। लेकिन फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले ऑल अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो, इसकी डिटेल को चेक करना चाहते हो या इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में गूगल में सर्च करना होगा या टाइप करना होगा jobinformation.co.in। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर आकर विजिट करके इसकी डिटेल को भी चेकआउट कर सकते हो। आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन अप्लाई, इसकी मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी jobinformation.co.in से। फ्रेंड्स के ऑनलाइन फॉर्म के प्रोसेस के बारे में, इसकी डिटेल एंड इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो यहाँ पे ही ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर आकर विजिट करके इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 37 में पोस्ट दी गई है। पोस्ट नेम जो है ये सब इंस्पेक्टर की इसमें पोस्ट दी गई है, यानी कि SI की इसमें पोस्ट दी गई है। पोस्ट वाइज वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट दी गई है, फीमेल के लिए 5 इसमें पोस्ट दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से इसमें आवेदन रहेगा फ्रेंड्स। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेंगे, मेल और फीमेल भी इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। फाइंड मोर न्यू वैकेंसी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन नेवी भर्ती 2022 है, RRC रेलवे अप्रेंटिस है, इंडियन आर्मी न्यू रिक्रूटमेंट है, BSF ग्रुप सी रिक्रूटमेंट है। फ्रेंड इन भर्ती की मोर डिटेल हमारी वेबसाइट पर आकर आप ले सकते हो jobinformation.co.in से। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो रहेगा ऑल ओवर इंडिया रहेगा। पे स्केल जो रहेगा आईटीबी के लिए 35,100 रुपये से लेके 1,11,400 रुपये पर मंथ तक का आपका जो पे स्केल रहेगा फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस दी गई है, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। जो फीस मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड से इसमें आपको फीस पे करनी होगी। एज लिमिट देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की है तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। जो आपकी एज काउंट होगी 14 अगस्त 2022 से काउंट होगी। 14 अगस्त 2022 से ना तो आपके 20 से कम हो ना ही 25 से ज्यादा हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें, आयु में छूट एज पर गवर्नमेंट के रूल को अकॉर्डिंग आपको इसमें आयु में छूट दी जाएगी। SST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है। फिजिकल टेस्ट की बात करें, देखिए हाइट की फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ऑल नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की इसमें हाइट आपकी होनी चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं पता आप कौन से जोन में आते हो, नॉर्थ इंडिया जोन में आते हो या आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया जोन हो, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम कमेंट्स पे लिख के बताएगा, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा आप कौन से जोन में आते हो। चेस्ट की बात करें, ऑल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। रनिंग चेस्ट जो रहेगा फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर की आपको रनिंग लगानी होगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फोटो का लाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए 10वीं का या 12वीं का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ID प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, दोनों में से लगा सकते हो। फ्रेंड जो भी आप ये डॉक्यूमेंट अटैच करोगे वो अपलोड करोगे, इसमें साथ में आपको सेल्फ अटैच होनी चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर और डेट उन डॉक्यूमेंट पर होना जरूरी, तभी आप इन डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ अपलोड कर पाओगे ऑनलाइन। फ्रेंड्स ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और हमारी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा फ्रेंड, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए कोई से भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से,
सेंट्रल गवर्नमेंट से। फ्रेंड मोर डिटेल के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हो, आपको नीचे मिल जाएगा मोर लिंक्स में, आप वहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले PET होगा, PST होगा यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी इसमें। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं हिंदी में तो यहाँ पे क्लिक करके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो हिंदी में। फ्रेंड यहाँ डे बाय डे क्वेश्चन अपडेट होते हैं, यहाँ से रीड कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और मंथली एंड वीकली वाइज भी PDF भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट देखिए, स्टार्ट सबमिशन 16 जुलाई 2022 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट जो रहेगी फ्रेंड 8 अगस्त 2022 रहेगी। हाउ टू अप्लाई देखिए फ्रेंड्स, आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना, सबसे पहले क्लिक टू ऑनलाइन अप्लाई लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भी फिल कर सकते हो। फिल टू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको केयरफुली आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फिर पे फी एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी, फिर टेक टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हो। मोर लिंक्स देखिएगा फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे फास्ट अपडेट मिलती है, टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हो। 16 जुलाई 2022 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ये रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड। पे स्केल जो रहेगा 7th पे कमीशन रहेगा फ्रेंड्स, और नंबर ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। मेल कैंडिडेट के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, टोटल जानकारी आप यहां से ले सकते हो। एज लिमिट क्या रहेगी फ्रेंड्स में, कंप्लीट जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ले सकते हो। करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो ITPP की, यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है, कैसे आपको इसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कैसे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, क्या क्या इसकी डिटेल है आप चेक कर पाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आप चाहते हो लगातार ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स करेगा और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।